बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, ये सेंटर आई है हमारे पास कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के लिए। ये आप देख सकते हैं पीछे मेरे, ग्रे कलर की गाड़ी है और इसकी कंप्लीट जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करनी है, डेंटिंग पेंटिंग करनी है, उसके अलावा कुछ और भी काम है, तो वो सारे के सारे हमने इस गाड़ी के करने हैं। इंशाल्लाह गाड़ी जब तैयार होगी आप देखेंगे कि बहुत प्यारी जो है ना वो तैयार हुई। अभी पहले इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गली हुई है जगह जगह से। आपको मैं गाड़ी दिखाता हूँ सारी, और वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, आपके इलम में जो है इजाफा होगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये गाड़ी देख लें जी, गाड़ी की हालत जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, ग्रे कलर में है हुंडई सेंट्रो, ठीक है। तो वैसे तो रिव्यू नॉर्मली हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, बैक से कर लेते हैं आगे काम हो रहा है। तो बैक से आपको मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले आप इसकी डिग्गी देख लें, ठीक है। ये आपको डेंट इसके ऊपर नज़र आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डेंट है, थोड़े भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी जो है ना दोबारा इसकी डेंटिंग होगी, ठीक है। ये बम्पर वगैरह सारे ये पेंट होंगे, ठीक है। चेक कर लें जी गाड़ी की हालत अभी क्या, जब गाड़ी तैयार होगी तब आप देखेंगे कि जी गाड़ी तो बिल्कुल ऐसे नई होगी, पहचानी नहीं जा रही। इस तरह की गाड़ी इंशाल्लाह तैयार करेंगे। फिर ये देख लें जी, इसकी छत है, छत शायद ना करें, लेकिन छत के ऊपर भी काफ़ी सारे जो है ना वो डेंट्स वगैरह हैं इसके ऊपर, तो उसका भी डाउटफुल ही है। बाकी ये बैक पे जो स्पॉइलर इसका लगा हुआ है, ये भी कलर होगा इस, ये मेरा ख्याल है इन्होंने किसी जापानी तो नहीं, हर कोरियन किसी गाड़ी का लेकर डाला हुआ है सेंट्रो का। ये देखें नीचे रेड कलर निकला हुआ है इसमें, तो इसे भी जो है ना वो कलर करेंगे, ठीक है जी। ये गाड़ी देख लें, ये आप देख सकते हैं ये डेंट, ठीक है। ये जगह सारी फटी हुई है, अंदर से सारी गली हुई है, ये देख रहे हैं सुराख आपको अंदर नज़र आ रहे होंगे व्हील के। तो ये चीज़ें सारी नई लगेंगी। उसके अलावा इसके जो पैनल हैं, ये साइड वाले पैनल आते हैं, ये अक्सर गाड़ियों के गल जाते हैं, 90% गाड़ियाँ ऐसी आती हैं जिनके गले होते हैं। तो इसको हम चेंज कर देंगे और इसको जो है हम लगाएंगे, जो जैसे ओरिजिनल आते हैं ना डाई के बने हुए, वो वाले लगाएंगे। इसमें हल्के वाले भी आते हैं लेकिन वो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है और वो जल्दी गल जाते हैं। ये अच्छी चादर के बने होते हैं, मोटी चादर के होते हैं और डाई के बने होते हैं। इसकी फिटिंग भी बिल्कुल ठीक आती है और इसकी क्वालिटी भी जो है ना वो अच्छी होती है। अभी ये देख लें कि सारे गले हुए हैं, ठीक है। तो ये काट के हम इसको चेंज कर देंगे। बाकी ये दरवाज़ा देख लें, इसके ऊपर भी ये डेंट्स वगैरह हैं, कोई ऐसा पीस नहीं है जिसके ऊपर डेंट ना हो, काफ़ी बुरी हालत है इसकी। तो ये जगह भी देख लें, ठीक है, ये सारे डेंट्स वगैरह हैं, आगे भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसके ऊपर डेंट है, हालत इसकी बुरी है, एक ये भी डेंट है। बाकी आप ये देख लें, अब तो ये फ्रंट पे आ गए हैं, ठीक है जी। ये फेंडर इसके देख लें, फेंडर की हालत ख़राब है, यहाँ पे इसकी एक लाइन आती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हुई है। फ्रंट बम्पर शायद चेंज करें, बाकी फ्रंट लाइट्स भी वैसे तो चेंज होने वाली हैं, क्योंकि इसके अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा इन्होंने स्टिकर लगा लगा के इसको रिपेयर किया हुआ है पहले, यहाँ से टूटी भी हुई हैं लाइट्स, तो वैसे तो लाइट्स चेंज होने वाली है। देखें आप ऑनर जैसे कहेंगे फिर हम उसी तरह से जो है ना वो सारा इसका काम करेंगे। और आगे आप देख सकते हैं कि काम इसका स्टार्ट कर दिया हुआ है, फ्रंट बम्पर, फ्रंट जो है इसका बोनट, बोनट की डेंटिंग स्टार्ट कर दी गई है। इसकी ग्रिल टूटी हुई है, ग्रिल भी इसकी चेंज होगी, ये देखें इसके ऊपर डेंटिंग का काम शुरू हो गया हुआ है। और ये वाली लाइट जो है ना ये भी जनाब अंदर से ख़राब है, ये देख रहे होंगे आपको नज़र आ रहा होगा अंदर, यहाँ से भी देख लें, ये जगह से भी ख़राब है, तो चेंज करनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो बाकी ये फेंडर देख लें, इसके ऊपर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, वैसे ये भी चेंज करना चाहिए यार, इसकी हालत बहुत ख़राब है। चलें देखें क्या होता है इसका। बाकी ये फ्रंट बम्पर देख लें, इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा नाजुक है, जगह जगह से जाना, ये रिपेयर भी हुआ है, टूटा भी हुआ है। ये इसकी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड भी सेम उसी तरह ही है, डेंट्स इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये वाला इसका पैनल, ये भी गला हुआ नीचे से, ठीक है। तो पैनल इसके दोनों जो है वो काट के उतार देंगे और इसको यहाँ पर नए लगाएँगे। और ये जो है जनाब इसका बैक क्वार्टर पैनल आप देख लें, तो ये एक्सीडेंट है, यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये सारा जो है ना डेंटिंग करना पड़ेगा, इसका काफ़ी ज़्यादा काम है, ये देखें, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ से ये लाइट भी टूट गई हुई है, खैर वो लाइट का तो कुछ नहीं हो सकता, उसका हल यही है कि यहाँ चेंज करें तो यहाँ फिर इसी को ही जो है वो बर्दाश्त करें। तो ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये डिक्की के ऊपर भी डेंट है, डेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो करेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये प्रोजेक्ट आपको दिखाऊंगा, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप भी अपनी गाड़ी का काम करवाना चाहते हैं, डेंटिंग पेंटिंग या कोई मैकेनिकल काम करवाना चाहते हैं अपनी गाड़ी का, तो आप हमारी वर्कशॉप पर विज़िट कर सकते हैं, अशरफ ऑटो इंजीनियर्स के नाम से जेल रोड लाहौर में हमारी वर्कशॉप है। फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी गाड़ी का एस्टीमेट लगवाने के लिए गाड़ी वर्कशॉप पर लेके आएँ। मोबाइल फ़ोन पर इसरार ना किया करें कि आप हमें एस्टीमेट लगा के दें, क्योंकि जब तक गाड़ी देखें ना तो उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं होता, तो इसलिए बेहतर है कि गाड़ी एक दफ़ा विज़िट करवा दें।
देख के आपको उसका जो है ना वो बेहतर मशवरा देंगे। एक तो मशवरा भी अच्छा देंगे, दूसरा उसका एस्टीमेट भी आपको बता देंगे, और ये भी बता देंगे यार तैयार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी गाड़ियाँ आ जाती हैं पुरानी जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उनकी कीमत से भी ज़्यादा उनके ऊपर पैसे लगने वाले होते हैं, और लोग कहते हैं कि जी आप इसको तैयार कर दें। उनको मशवरा हम ये देते हैं कि जी आप इसको जो है वो या तो सेल आउट कर दें, तो या फिर अगर आपने तैयार करवानी है, किसी कभी अक्सर होता है कि किसी के बुज़ुर्गों की निशानी होती है तो वो लोग फिर तैयार करवाते हैं, तो जो फिर बेहतर मशवरा होता है ना उस हिसाब से फिर जो है ना उनको गाइड कर देते हैं। बाकी ये गाड़ी इंशाल्लाह तैयार करेंगे, आपको दिखाएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फौरन जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लिया करें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और उसके अलावा मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं मज़ीद अपडेट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें गाड़ी तैयार हो गई है माशाल्लाह जी, गाड़ी बहुत अच्छी तैयार हुई है। अभी आपको गाड़ी मैं सारी दिखा देता हूँ, पूरी रीस्टोर की है हमने और बिल्कुल इसकी ओरिजिनल कंडीशन में जो है वो लेके आए हैं। आपको मैंने बताया था छत छोड़ के नीचे नीचे से जो है ना वो गाड़ी डेंट पेंट की है। उसके अलावा इसमें पावर स्टेयरिंग भी इंस्टॉल किया, वो आपको गाड़ी स्टार्ट करके चेक भी करवाऊँगा। ये गाड़ी है जी, देखें फ्रंट माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है गाड़ी का, ठीक है ये आप देख लें। छत छोड़ के बाकी नीचे नीचे से हमने की है, और इसमें इसकी फ्रंट लाइट्स दोनों वो ख़राब थी वो चेंज हुई हैं। उसके अलावा फ्रंट गोला इसका ग्रिल सारी नहीं लगी है, ठीक है जी। बाकी देखें गाड़ी की लुक शो चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, ऊपर से लाइट टायर भी खूबसूरत लगे हुए हैं इसको। बाकी आपको मैं दिखाऊं तो आप ये देखें इसकी राइट साइड, ठीक है जी ये राइट साइड है इसकी, और ये ग्रे कलर में है गाड़ी। ये देखें छोटी मोटी सफाइयाँ वगैरह जो हैं वो इसकी हो रही हैं। ये इसकी बैक, और ये देख लें ये हमारी वर्कशॉप है अशरफ ऑटो इंजीनियर के नाम से जे लॉर्ड लाहौर में। फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास डेंटिंग पेंटिंग और मैकेनिकल काम किए जाते हैं गाड़ियों के, ठीक है जी। ये देख लें बहुत प्यारी हुई है गाड़ी, अभी ये आपको मैं चेक करवाता हूँ जैसे दरवाजे बंद करके। ये देखें ठीक है जी, गाड़ी बहुत खूबसूरत है, पेंट की शाइन ये आपको नज़र आ रही होगी, इसमें चमक नज़र आ रही है कलर की। अभी आपको पावर स्टीयरिंग भी इसका चेक करवाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग इंस्टॉल की है। बहुत सी गाड़ियाँ हमारे पास आती हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग इंस्टॉल करते हैं, कल्टस, मेहरान, और उसके अलावा ये सेंट्रो। सेंट्रो इससे पहले भी काफ़ी हमने की है इलेक्ट्रिक, ये भी की है, ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्टार्ट करके। और बड़ा ज़बरदस्त है यार, बहुत थोड़े पैसों में ये हो जाता है। ये देखें ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और ये देखें कितने आराम से जो है इसका स्टीयरिंग मोड है, देख रहे हैं। और अभी ये गाड़ी का जो है ना टायर बड़े छोटे छोटे लगे हुए हैं, तो पहले इसका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड था, और पहले इसमें ना वो लगा हुआ था हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, अब इसके अंदर जो है ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग कर दिया। इसके अंदर जो है वो मोटर लगती है इलेक्ट्रिक, वो लगी है, और ये इसका जो है वो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग हो गया।
अगर आपने भी अपनी गाड़ी इलेक्ट्रिक पावर स्टेरिंग करवानी है तो आप हमारे पास लेके आ सकते हैं। और ये जो हम करते हैं EPS, ये स्पीड सेंसर किट के साथ करते हैं, स्पीड सेंसर किट के बगैर नहीं करते, उसके बगैर जो है ना वो चलती नहीं है सही, स्पीड सेंसर किट इसके साथ लाजमी होती है। तो ये स्पीड सेंसर किट के साथ जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी गाड़ी की, वैसे वैसे जो है ना स्टेरिंग थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और रोड ग्रिप जो है ना वो गाड़ी की बरकरार रहेगी। कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि गाड़ी आपको कैसी लगी है। अगर आप भी अपनी गाड़ी का काम करवाना चाहते हैं, डेंटिंग पेंटिंग या मैकेनिकल काम करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी वर्कशॉप पर विजिट कर सकते हैं। अशरफ ऑटो इंजीनियर जे रोड लाहौर में हमारी वर्कशॉप है। और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी गाड़ी का एस्टीमेट बनवाना है, तो आप हमारी वर्कशॉप पर विजिट करें, गाड़ी चेक करवाएं, आपको उसका एस्टीमेट दे देंगे। बाकी अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।